The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. उदयवारा, और ये कौन सी जगह उदयवारा है भाई? उदयवारा में हाकानो है भाई, और हमारे साथ में हमारे दिल खुश रेस्टोरेंट के मालिक साहब भी आ रखे हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हाकानो से। प्लीज अजीम भाई, प्लीज कम हियर। तो भाई अभी आ रखे हम लोग, यहाँ पर कावा है पास में, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। सॉरी यार, काफी इससे पहले जितना भी देखा आपने गाड़ी में से सेम व्यू आ रहा होगा, क्योंकि सारा का सारा हिल एरिया है। तो मैं थोड़ा, तो आपको ऐसे होटल्स मिल जाएंगे आसपास। हमारे भाटी जी सामने देखिए, दिखाइए जरा, हिल एरिया है। मैंने सुना है इस वाले जंगल में भालू बहुत है। लगा दी हमने हमारी गाड़ी और चलते हैं अब आगे, आपको दिखाएंगे जो भी है। ये कोकुसाई क्योगो ग्रुप यामोटो होटल है। उधर कहाँ जा रहे हो? नहर पे तो नहीं है, होकाने कावा में कावा बोलते हैं नदी को। नदी को वाह, देख सकते हैं ऐसा ब्रह्म दृश्य, सफेद पानी बिल्कुल स्वच्छता का प्रतीक है। हिंदी देख लो पंडित जी की, हिंदी में तो मैं मर जाऊं। ये देखिए, ये फॉरेनर भी घूमने के लिए आ रखे हैं गाइस। लुक देखो, लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू, पानी एकदम नीला है। हम तो ऐसे लाते हैं भाई, गाइस लुक एट द व्यू, क्या मस्त पानी है यार, गहरा बहुत होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। स्पीड देख रहे हो पानी की गाइस,
गाइस फाइनली बड़ी हिम्मत करने के बाद मैं आके इस पत्थर पे बैठा हूँ, क्योंकि देखो पूरा हिल स्टेशन है ये, पूरे के पूरा हिल्स है और रिवर्स है, और मुझे पानी से लगता है भाई बहुत ज़्यादा डर, और ये बहुत तेज़ पानी है, तो मैं बड़ी मुश्किल से बैठ गया आके इस पे, इसलिए मैं बाद में डबिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बात करेंगे तो आवाज़ आएगी नहीं। मोस्टली हर जगह पर बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ थी, इसलिए मैंने हर जगह पर डबिंग ही करी है जहाँ मैं बात करना चाहता था कुछ भी। तो बहुत मज़ेदार जगह यार, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं उदयपारा में, मैं पहली बार आया हूँ और मज़ा आ रहा है, और व्यू देखो आप, बहुत ही सुंदर व्यू है यार, मतलब मज़ा आ गया, और जितने लोग उत्तराखंड से ना उनको तो देख के मज़ा आ जाएगा। गाइस फिलहाल हम कावा से निकल गए हैं, कावा में थोड़ी देर हम लोग बैठे, वहाँ पर नहाने का सीन नहीं था, टेम्परेचर बहुत कम है पानी का और पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो रिस्क लेने वाला सीन था, तो हमने रिस्क नहीं लेना था, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर घूमने के लिए, ठीक है। उदयपारा आप आओगे तो, मैं पहली बार आया हूँ भाई के साथ, भाई ने रेकमेंड करा था कि चल बहुत अच्छी जगह है घूम के आएंगे, और ये हिल स्टेशन है और बहुत टूरिस्ट है यार यहाँ पर, मुझे देख के लग रहा है अब यहाँ पार्किंग है फुल है हर होटल की, ठीक है। तो आप लोग जापान में हो तो घूम सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। आप इन्जॉय कर सकते हो, और अभी तो जापान में वैसे भी बहुत कम चल रहा है, 50% डिस्काउंट है होटल्स में भी, हालांकि टूरिस्ट वीज़ा नहीं है, ये उन्हीं के लिए जो लोग ऑलरेडी जापान में हैं। तो भाई कैसा लगा कावा? मस्त, एकदम ब्यूटीफुल भाई, beautiful ने ब्रो। कावा में मज़े लिए, अभी चलते हैं नेक्स्ट जन हमारे जहाँ भी है, क्योंकि हम लोग रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं कोई भी जगह और गाड़ी लेके निकल जा रहे हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या दिखता है, फिर आपको दिखाएंगे। और ये जो व्लॉग है ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके 2-3 पार्ट आएंगे आई थिंक। भाई सभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं वो बिल्डिंग यहाँ पर 150 साल पुरानी है, ठीक है, और रास्ता भी 150 साल पुराना बता रहे हैं वैसे तो लोग, और ये माता जी जा रही हैं आगे। अब देखो भाई 150 साल में यहाँ क्या बचा हुआ है। बाबा भाई 150 साल तो पुरानी लग रही है, तो 150 साल पुरानी लग रही है, 150 साल पुरानी है यार, 150 साल कौन कह रहा है, पता नहीं कौन सी 150 साल वाली बिल्डिंग दिखा रहे हैं ये, और जो भी दिखेगा नहीं दिखेगा व्यू तुम्हारा भाई दिखाता रहेगा जो भी देखेगा। भाई ये CXO ऑफिस है ये, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, थोड़ा व्यू देखो, 100 साल पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है अभी। ऐसे वो चाचा मिला जैसे ऊपर भाई साहब ताजमहल बना रखा हो उसने। अच्छा जी, तो गाइस सामने जो आपको ये रिक्शा दिख रहा है, जापान में कुछ जगहों पे आज भी ऐसे रिक्शे चलते हैं, तो यहाँ पर ये जो रिक्शा होता है ना खुद आदमी खुद खींचते हैं, जैसे सामने भाई साहब खड़े हुए ना ये खुद इस रिक्शे को खींचते हैं और टूरिस्टों को घुमाते हैं, तो ये जापान का ट्रेडिशनल है और आज भी ये चीज़ है यहाँ पर। और हम लोग जा रहे हैं माची, माची है जो स्टेशन के पास छोटी सी मार्केट टाइप की लगती है लोकल में, वहाँ जा रहे हैं, शायद कोई ट्रेडिशनल फूड हमें खाने को मिल जाए, मेरा आज ऑक्टोपस खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो ये है यहाँ की मार्केट,
सब फ्रेंड मिक्स करके ना बस Yes, Pandaji. Market? How do you feel about this local market? You know this coffee shop? तो भाई सामने से तो जैपनीज लड़की आ रही है जिन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है जिसको कहते हैं किमोनो। तो मैं उनसे कोशिश करता हूँ बात करने की, एक बार छोटा सा उनका इंटरव्यू करेंगे अगर वो बात करती हैं तो। उसी से मैंने आपको तो कुछ ही बनाने देश का ऋषि की नहीं ना नहीं की नंबर वन देश का तो था हाँ तो ना उसे इंडे ओके अच्छे तेरी मोनो परेशान कैसी बातें कर रहे हो आप। भालू ढूंढने गए थे वहाँ प्रकृति खराब करके आ रहे हैं दोनों। हेलो भाई कुछ नहीं मिला, मजा नहीं आया। भाई हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ लास्ट में टॉप पे गए, वहाँ जाके हमें यहाँ से ले रहा था कि सब गए थे झरना 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 ना वहाँ वो टॉप पे गए तो भाई नाली से पानी निकल रहा था तो ये था झरना हमारा। अब देख लो वहाँ से आने जाने में कितने थक गए। लोग यहाँ पर जो बीच है उदयबारा का मौसम तो वैसे ठंडा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और शाम हो चुकी है तो व्यू पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा उतना अच्छा, पर मैं कोशिश करूँगा दिखाने की यहाँ से जो भी व्यू होगा। तो फाइनली हम लोग घूम ही रहे हैं ढूंढते ढूंढते क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट कर रहे हैं खाली, स्पेशली मैं तो भाई से बोला था थोड़ा बीच का दिखाओ तो भाई को रिक्वेस्ट करी, भाई ने बोला चलो बीच पे लेके चलते हैं। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, पहले व्यू देखो इससे। गाइस व्यू देखो यार, भाई लोग यहाँ मछली पकड़ रहे हैं।
गाइस व्यू देखो यार, व्यू पूरा समुंदर है पीछे, तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ पर लोग फिशिंग कर रहे हैं, सारे के सारे लोग फिशिंग कर रहे हैं, और स्मेल आती है ना फिश की, वैसी स्मेल भी बहुत आ रही है। बट यार सीरियसली आप व्यू देखो, बहुत ही खूबसूरत है। सन को बोला था सनसेट से पहले पहुंचना, तो हम लगभग पहुंच गए हैं। काफ़ी ड्राइव करा हम लोगों ने यहाँ पहुंचने के लिए, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी आप लोग इन्जॉय कर। तो गाइस ये जस्ट एक पॉइंट है, यहाँ पर लोग फिशिंग वगैरह करने आते हैं। बीच का रास्ता थोड़ा सा दूर है, इसलिए हम लोगों ने अवॉइड करा बीच पे जाने के लिए बात करने के बाद, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता लगभग 15 से 17 मिनट तक, तो काफ़ी देर हो जाती और अंधेरा हो जाता, तो बीच पे जाने का कोई फ़ायदा था नहीं। तो हमें तो बेसिकली यहाँ पर आके बस यही देखना था कि एक अच्छा सी व्यू सनसेट देखने को मिल जाए। तो सनसेट तो नहीं देखने को मिला, बट हाँ काफ़ी अच्छा व्यू मिल गया है, जो हम कैप्चर करना चाहते थे वो कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ सब लोग फिशिंग ही कर रहे हैं, बड़ी फिशी स्मेल आ रही है यहाँ पर चारों तरफ, तो लोग काफ़ी अंदर अंदर तक भाई खड़े हुए हैं जाके और फिशिंग कर रहे हैं। और ये सामने आप ये देख रहे हो बड़े बड़े से ब्रिक जग टाइप के, जो बड़े बड़े से पत्थर पड़े हुए हैं, तो भाई इनका साइज़ देख के ना ये मतलब ट्रक पे गिर जाए तो ट्रक को भी बिठा दे, इतने बड़े बड़े हैं यार ये लोग। मैंने पहली बार ये देखे ना, इससे पहले मैंने कभी ये सब देखे नहीं है, ये ऐसे टाइप के जो पत्थर होते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है और हमें वापस जाना है घर। तो काफ़ी अच्छा था आज का, मज़ा आया। बाकी आप लोग इन्जॉय करते रहो जब तक है साथ में, हम इन्जॉय करेंगे उसके बाद हम लोग सब साथ में निकल जाएंगे घर, और जो मैं आपको दिखा सकता था वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो आप इन्जॉय करते रहो यार। और ये माता जी भी मछलियाँ पकड़ रही हैं, तो जो छोटी मछलियाँ फंस गई उनके कांटे में, उनको निकाल के वो वापस फेंक रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं उनको वापस नहीं फेंकते, उनको ऐसे ही रहने देते, तो बेचारी वो मछलियाँ मर जाती हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जो मछलियाँ छोटी हैं तो उनको आप बाद में भी पकड़ सकते हो, तो उनको फेंक देना चाहिए, जैसे माता जी ने फेंका। तो यार गाइस अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है, तो अंधेरा होने लगा है, घर जाते जाते लगेंगे कम से कम हमें 3.5 घंटे। तो अभी हम ये व्लॉग रैप अप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।